हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे इसी विषय में। साथ ही बात करते हैं कि जो एक अभी एक चर्चा बनी हुई है, एक जो मुद्दा है, जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है उसके ऊपर है। उसकी जो कंट्रोवर्सी है उसके कई कारण है। कारण उसका मिसबिहेव भी है, कारण उसका प्रोबेशन में जो उसका ड्यूटी से ज़्यादा वह डिमांड कर रही है वह भी है। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एज एन अ कैंडिडेट, अगर आप ये चीज़ सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, देश में इस वक्त पेपर लीक हो रहा है या तो फिर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, इस तरह से काफ़ी जो लीक हो रही है ना, ये चीज़ें बहुत हो रही है। एक स्टूडेंट जो होता है एग्जामिनेशंस में अच्छी तैयारी करके बैठ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो रैंक है कोई और ही हासिल कर रहा है। और वहाँ पर जो रैंक है वो हासिल कैसे की जा रही है? फर्जी प्रमाण पत्र लगा के, अपने आप को जो है फर्जी तरीके से दिखा के, और उस आधार पर जो है आप एक पोस्ट को आरक्षित कर लेते हो, एक नंबर को आप आरक्षित कर लेते हो, उस पोस्ट पर आप जो है काम करते हो। तो इस तरह से कुछ कंट्रोवर्सी है। जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है पूजा खेड़कर, आपने इनको जो है इनकी न्यूज़ जो है अभी तक सुन ली होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि लीगल मुद्दे रहेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो ये फर्जी सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, क्या ये सही है या क्या गलत है? इस पर जो ये नौकरी होती है, क्या इसमें फ़र्क आता है? यूपीएससी किस प्रकार से जो है ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको डील करती है, उसको वेरीफाई करती है, क्या है पूरा ये जो प्रोसेस होता है वह कैसे होता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी शुरू कैसे होती है तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आईएएस है ये कौन है? तो ये आईएएस है, इसका नाम है पूजा खेड़कर। इसकी जो नियुक्ति हुई है वह 2023 के जो आईएएस के बैच से उनसे हुई है। अब यहाँ पर 821 जो रैंक है इन्होंने प्राप्त करी है, और 3 जून को पुणे में इन्होंने जो है अपनी नौकरी जो पोस्ट है उसको उसमें आ गई है। इसको नौकरी यहाँ पे मिली है, पोस्ट यहाँ पे मिला है, इनको पोस्ट मिला है असिस्टेंट कलेक्टर का। यहाँ पर इनको कलेक्टर को असिस्ट करना है। यूपीएससी में सेलेक्टेड जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, लबैसना में उनको पूरा सिखाया जाता है, पूरा 1 साल तक। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर प्रशासनिक काम कैसे होता है, जिला स्तर पर काम कैसे होता है, यह किसी भी अकेडमी में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर आपको जो है प्रोबेशन टाइम मिलता है, 2 साल के लिए आप जो है असिस्ट कर सकते हो। और प्रोबेशन टाइम सिविल के अंतर्गत ऐसा होता है कि आप जो है इसमें 1 साल और बढ़ा सकते हैं अगर डिपार्टमेंट को लगता है तो। और प्रोबेशन के अंतर्गत आपकी पूरा आपको जो है काम दिया जाता है, आप काम लर्निंग लेते हो, प्रक्रिया सीखते हो, किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें प्रोबेशन में आती है। यहाँ पे प्रोबेशन में आपको एक सैलरी जो होती है मिलती है, कुछ लीगल राइट्स है वो मिलते हैं, लेकिन कुछ एक अलाउंसेस होते हैं जो आपको परमानेंट होने के बाद ही मिलते हैं। आपको 2 साल बाद में जब आईएएस के रूप में आप परमानेंट नियुक्त हो जाते हो, उसके बाद में आपको अपना ऑफिसर बंगला मिलता है, आपको आपकी लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं, और उसके अलावा न जाने कितने सारे अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पर जब उनको पहली नियुक्ति 3 जून को मिली, पुणे में मिलती है, वहाँ पर एक जो कलेक्टर के साथ इन्होंने असिस्ट किया है, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले डिमांड ये करी है कि उनको वो ऑफिस कंप्लीट चाहिए, किसी को असिस्ट नहीं करना है। साथ ही जो नेम प्लेट होती है वहाँ के ऑफिस में उनकी हटा के खुद के नाम की खुद की नेम प्लेट लगवा देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो रहती है मिसबिहेव में आती है। दूसरा ये है कि जब भी आप यूपीएससी के एग्जाम देते हो या तो फिर अलग कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम अगर आप देते हो, तो वहाँ पर एक रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, और अगर आप उस रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको वहाँ पर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं या तो जिस भी चीज़ का आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो उस सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हैं, वहाँ पर वेरीफाई होती है चीज़ें। यहाँ पर जब आईएएस जो ये ट्रेनी आईएएस पूजा जी है, इनके जब रैंक आता है 821,
वहाँ पर इनको जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का एक स्टूडेंट बताया जाता है। साथ ही जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन्होंने अपने आप को बताया है और उसका सर्टिफिकेट लगाया है। तो जो ये दोनों आरक्षित वर्ग है इनके अंतर्गत यहाँ पर 821वीं रैंक जो है इस आईएएस को मिली है। तो जब आप नॉन क्रिमिनल में आ रहे हो तो उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज में आ रहे हो तो उसके क्या ग्राउंड है, उसकी कितनी कैटेगरीज होती है, आईपीसी के सेक्शंस कौन से लगते हैं जहां पर कि आपको पनिशमेंट बताई गई है, उसके अलावा यहां पर ये जो इशू है वह रेस कैसे हुआ, किसको पता चला कि ये जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है इस तरह से इशू कर रही है, और किस कहां से ये चीज आती है कि ये जो है फर्जी तरीके से यहां पे आई है। फिलहाल इस पर ऑफिशियली आया नहीं है, फिलहाल इस पर जो नोटिस है वही आया है। इस पर ऐसा है कि अभी जो है केट के थ्रू जो कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं, सबसे पहले जब भी सिविल सर्विसेज के मैटर्स में अगर कोई भी इशू आता है तो वहां पर जो केंद्रीय ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहां पर इस तरह के इशू जाते हैं, वहां पे कमेटी बनाई जाती है, जांच करवाई जाती है। तब यहां पर क्या होता है कि जब ये इशू रेज होता है वहां पर भी कैट को बिठाया जाता, ट्रिब्यूनल में लाया जाता है, वहां वो जो कमेटी है उसको बिठाया जाता है और जो है जांच करवाई जाती है। अब इस जांच में जो जो भी चीजें होती है वो निकल कर आती है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू आता है, यहाँ पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका इशू आता है, क्योंकि जो कैटेगरीज होती है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरीज होती है उसके अंतर्गत ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसके लिए आपको जो है एम्स जहां पर किस तरह के मेडिकल किए जाते हैं सरकारी सेवाओं के लिए वहां पर आपको जाना होता है, और अगर वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है तब आपको इश्यू होता नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो है ये जांच करवाने से बिल्कुल मना कर दिया है और सर्टिफिकेट के बारे में भी कुछ आया नहीं है। बात करते हैं दूसरे एक और इशू के साथ में कि जब इनको इनके पास नॉन क्रिमिनल ओबीसी का एक सर्टिफिकेट इन्होंने शो किया है। यहाँ पर जब भी नॉन क्रिमिनल में अगर आप आते हो तो 8 लाख रुपए सालाना आपकी जो है कमाई होती है, आपकी संपत्ति जो 8 लाख रुपए की सालाना कमाई वाली होती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि 40 करोड़ जो है यहाँ पर इनके पिता की संपत्ति है, उसके अलावा इनकी संपत्ति अलग से होती है। यहाँ पर इनके खुद की एक ऑडी कार होती है, पोर्शे कार होती है, जहाँ पर कि ये खुद के नाम पर है या नहीं इसमें भी जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन का एक जो स्टिकर होता है वह पीछे लगवा के रखा है, साथ ही लाल बत्ती जो होती है उसका भी यहाँ पर इशू है। तो बहुत सारी चीजों के बीच में अभी भी ये घिरी हुई है। हर एक चीज का जवाब यहाँ पर मांगा गया है पीएमओ के द्वारा। यस, यहाँ पर जितने भी सवाल उठकर आ रहे हैं, भले वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, मिसबिहेव से रिलेटेड हो, या तो फिर जो डिमांडिंग है उससे रिलेटेड हो, ऑडी कार होती है जो खुद की कार होती है उस पर जो स्टिकर्स होते हैं, उस पर जो चीजें होती है उस पर होता है, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल की जो एक अवधि होती है, जो एक योग्यताएं होती है उसके ऊपर है। तो अब यहाँ पर पीएमओ की तरफ से हर एक चीजों पर सवाल उठाए गए हैं कि क्यों वह जो है अपना मेडिकल जांच नहीं करवा रही है, और भी इस तरह के सवाल हैं, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो पीएमओ की तरफ से भी काफी सारे सवाल हैं जो प्रशासन को यहाँ पे पूछे गए हैं, यूपीएससी के जो एक कमेटी होती है यहाँ पर पूछे गए हैं और उनका जवाब उनको देना है। जहाँ पर कि जो जो इशू रेज हुए हैं मेडिकल ग्राउंड के हुए उनके ऊपर सवाल है, वहां पर उनको जवाब देना है। जो दो सर्टिफिकेट है यहाँ पे ओबीसी के नॉन क्रिमिनल के सर्टिफिकेट का और जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर का, साथ ही जो उनकी ओडी कार है उस पर जो स्टिकर्स है उनसे रिलेटेड है, इस तरह से काफी सारे सवाल पीएमओ के द्वारा अभी पूछे गए हैं। कमेटी बनाई गई है, इस पर जवाब आना अभी बाकी है। इससे पहले कि हम बात करते हैं इन कैटेगरीज में जाके हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे पनिशमेंट होती है, बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज में अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं तो क्या वो हाईकोर्ट में जाते हैं। यस, यहाँ पर सबसे पहले जो कैट होता है, जो ट्रिब्यूनल्स होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो केंद्रीय जो सेवाएं इसमें लगती है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होता है। यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है जहाँ पे की जांच होती है, डिपार्टमेंट को ये जांच सौंपी जाती है, पूरा एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में अगर जो है चीजें सही रहती है तो वो वहीं पे हो जाती है कंफर्म, और अगर कहीं भी कोई भी इश्यूज आता है जो कि आपको रेज करना होता है, जिसको कि आपको उठाना होता है, तो आप जो है हाईकोर्ट में आते हो और हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर जो है रिट लगती है और पूरा
ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसके आधार पर ही यहाँ पर जजमेंट भी दिया जाता है और पूरी चीज सुनी जाती है। नॉर्मली ये एक अच्छा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस भी हो सकता है और इस दौरान जो है आपकी नौकरी भी एज इट इज ही रहती है, या तो फिर अगर कोई इश्यूज आता है तो आपकी नौकरी पर भी यहाँ पे इशू आ ही जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है हाईकोर्ट में भी अपनी याचिका यहाँ पे दायर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में और इसकी पनिशमेंट के बारे में। अब क्योंकि कानून के अंतर्गत इन्होंने सही फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्य हैं, वह छुपाए हैं, इसके अंतर्गत इनको कानून में सजा का प्रावधान है, आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। बात कर लेते हैं इनके पहले सर्टिफिकेट की, जो कि है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ये कौन होते हैं? तो यूपीएससी में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको 5 प्रकार की कैटेगरीज यहाँ पे मिलती है। पहली कैटेगरी होती है कि जहां पर कि आपको मानसिक विकारता रहती है, आप थोड़ा मानसिकता की जैसे लाइक ऑटिज्म टाइप का कुछ एक इशू रहता है, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में दिया जाता है। दूसरा रहता है कि चलने संबंधी जो बोलते हैं ना डिसेबिलिटीज रहती है कि आपसे चला नहीं जा रहा है या चलने में इशू हो रहा है, बहुत सारे इस तरह के हमें देखने को मिलते भी है। तीसरा रहता है कि आप जो है बधिर अवस्था के हैं, आपको सुना नहीं, आप सुनने नहीं पाते हो या आपको बोलने की इशू रहती है। यहाँ पे चौथा जो कैटेगरी आता है वह आता है कम दृष्टि, अगर आपकी है या तो आप दृष्टिहीन है। अब कम दृष्टि को भी डिफाइन यहाँ पे किया गया कि कम दृष्टि का मतलब भी क्या है। नॉर्मली हम स्पेक्स हर कोई पहनते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आ गए हैं, तो यहाँ पर इसको भी डिफाइन किया गया है। और जो लास्ट एक कैटेगरी है वह बताई जाती है कि अगर एक पर्सन है जो कि जिसको कि सुनता भी नहीं है, या तो जिसको दिखने में भी इशू आते हैं, या तो जो उसको चलने में भी इशू आ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जो बाकी की जो 4 कैटेगरीज थी उनसे मिलती जुलती जो लास्ट एक कैटेगरी होती है, अगर आप उसमें आते हो तब आप पर्सन विद जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आते हो और उसी आधार पर आपको जो है यहाँ पे ये सर्टिफिकेट लगाना होता है, यहाँ पर आपका मेडिकल होता है। दूसरी बात कर लेते हैं हम ओबीसी नॉन क्रिमिनल की। हम सब जानते हैं कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है यहाँ पर आपको सरकार ये सुविधा देती है कि आप जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरीज में आ रही हो आप वहाँ का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं और यहाँ पर इस वजह से आपको जो है एक आरक्षित पोस्ट मिल नंबर मिल सकता है, आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। अब ओबीसी के भी 2 कैटेगरीज होती है जहाँ पे क्रिमिलेयर होते हैं और नॉन क्रिमिलेयर होते हैं। बात कर लेते हैं इस कैटेगरी की, नॉन क्रिमिलेयर की। तो जैसे कि हमने इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो जिनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर या तो फिर जो इन सब मापदंडों के आधार पर जो कि कमी रहती है, जो कि 8 लाख से जिनकी सालाना आय रहती है वह कम रहती है या लगभग उतनी रहती है, वो लोग जो है ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो आय की बात करते हैं तो इनके पास खुद की जिस हिसाब से अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि इनके फादर खुद अभी लोकसभा चुनाव में आए थे तो उन्होंने अपनी एक आय और संपत्ति यहाँ पे बताई थी, 40 करोड़ की उन्होंने संपत्ति बताई है। इनके पास खुद अपनी संपत्ति बताई गई है। इसके अलावा इनका पर्सनल ऑडी कार भी है, पोर्श कार भी है, तो बहुत सारी चीजें जो है इनको नॉन क्रिमिलेयर में नहीं लेकर आ रही है। अब बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शंस की। देखिए आईपीसी 465 है, यहाँ पे जालसाजी की सजा बताई गई है, इसमें आर्थिक जुर्माना भी है, 2 साल की सजा भी है। और अगर आप जो है नौकरी कर इस तरह से नौकरी लग रहे हैं, आरक्षित नौकरी कर रहे हैं आप, जहाँ पर कि आपने फर्जी सर्टिफिकेट दिखाए हैं, आपने फर्जी तरीके से अपनी पूरा जो प्रमाण पत्र है ये सारी चीजें क्रिएट करी है, तो वहां पर भी आपको 10 साल की सजा बताई गई है और आर्थिक जुर्माना भी बताया गया है। तो सवाल यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, हमें भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे लगते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी अपने कमेंट में सवाल जरूर रखना कि अगर देश की इतनी बड़ी जो एग्जामिनेशंस होती है वहाँ पर भी इस तरह की धांधली हो सकती है क्या? यूपीएससी जब भी वेरिफिकेशन करती है डबल सेट में वेरिफिकेशन करती है, यहाँ पे हर एक चीज को डबल बार जो है डबल यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद भी इस तरह के इश्यूज आते हैं। यहाँ पर जो ये ट्रेनी आईएएस है इनको करीबन 5 से 6 बार जो है एम्स बुलाया गया है कि जांच के लिए, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं। इनका जो डिमांडिंग है वह बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत सारी है, प्रशासनिक चीज़ें बहुत सारी आ रही है, उसके बाद भी इनको यहाँ पे नौकरी से पुणे से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन इनके अभी नौकरी में कोई इशू आया नहीं है। फिलहाल
चीजें जो है एज इट इज है, क्योंकि जांच जारी है। पीएमओ से रिप्लाई, पीएमओ ने रिप्लाई मांगा है, रिप्लाई अभी जाएगा। आगे क्या होगा इस मैटर में यह मैं जो है आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि हमें लीगल अपडेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके इस तरह की चीज़ें जहां पर सीधा सीधा जो एक असर है वह कैंडिडेट पर आता है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। टिल देन थैंक यू सो मच।